नौजवानों को सेहतमंद माहौल देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 133 के रहनुमा फैसल मीर की जानिब से टाउनशिप D1 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो टेप पाल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में इलाके भर की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इंतजामी कमेटी में कोऑर्डिनेटर 2 फैसल मीर, NA 133 वहीद अहमद लोधी, सीनियर रहनुमा डॉक्टर जरार अहमद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब्बास शाह, आतिफ मेराज, मिर्ज़ा अजफर शेख आसिफ, मेहर बिल्लू, अब्दुल्ला लोधी, तलाल लोधी, बिलाल लोधी और रिजवान जियाला शामिल थे। आज 27 नवंबर 2022 इतवार को टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया, जिसमें फातह टीम को 30,000 रुपये नकद और ट्रॉफी दी गई। दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 15,000 रुपये नकद और सेकेंड ट्रॉफी, बेस्ट बाउलर और बैट्समैन को 5,000 रुपये नकद और मेडल दिए गए। हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों के कप्तान को एक एक बैट का इनाम भी दिया गया। इलावा जी फाइनल मैच में कैच पकड़ने वालों को भी 500 रुपये के नकद इनाम दिए गए। तकरीब की मेहमान खसूसी नायाब जान डिप्टी सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब थी। मेहमाना ने गिरामी में खुर्रम फारूक एडवोकेट, साबिर शाह एडवोकेट, आतिफ मेराज, शाहिदा जब्बी के अलावा हज़ारों की तादाद में शायकीन क्रिकेट ने शिरकत की। ग्राउंड के चारों जानिब आवाम का जम गफीर मौजूद था, जो इलाके में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद टूर्नामेंट से महजूज होते रहे। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें योम तासीस की मुनासिबत से केक भी काटा गया।